ब्रास ब्रास में ये इसमें से जो बड़ा है और जो छोटा है ये दोनों हम आपको समझाते हैं किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तो ये फ्लोट की यहाँ से सेटिंग होती है, इसके अंदर न्यूट्रल वाल लगा होता है। अच्छा, वाल खत्म हो जाए तब भी ओवर करता है, सेटिंग आउट हो जाए तब भी ओवर करता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम अज़ारा का एक बहुत ख़ूबसूरत इलाका है, हवेलियाँ इसको बोलते हैं। तो ये एक बहुत ख़ूबसूरत जगह है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पानी है, आबशार है, इधर से पानी नीचे आता है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी होता है। तो इस ख़ूबसूरत जगह पे आके हमने आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया कि हम आपको आज कार्बोरेटर के बारे में बताएँगे, ठीक है, और कार्बोरेटर की इन्फॉर्मेशन देंगे, कार्बोरेटर में जो पेट्रोल की सेटिंग होती है वो किस तरह की जाती है, ये सारा चीज़ ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ रहिए, हम आपको मिलवाते हैं अपने उस्ताद से भी। तो ये है हमारे उस्ताद उसामा उस्ताद, जो कि इस वीडियो में हमारी मदद करेंगे और हमें पेट्रोल की सेटिंग और कार्बोरेटर की इन्फॉर्मेशन देंगे और पेट्रोल किस तरह आप एवरेज किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं ये वो सारा कुछ बताएँगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अच्छा, तो ये कार्बोरेटर है, इस बॉक्स के अंदर इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। ये कोयो कंपनी का कार्बोरेटर है, अप मॉडल का है, यूरो टेक्नोलॉजी है इसमें। अच्छा, तो उस्ताद ये अप मॉडल का कार्बोरेटर है, आप ज़रा इस हमारे नाज़रीन को व्यूअर्स को इसके बारे में थोड़ा समझाएं कि यार ये काम किस तरह करता है और इसमें क्या क्या फंक्शन होता है, तो प्लीज़ समझाएँगे आप। ये आपके सामने सबसे पहले आपको पता है ये तो चौक है। अच्छा, तो ये इसका पेट्रोल पाइप है, ये ब्लो वाला पाइप है, तो ये सिलाई लगी हुई है, ये खोल के आपको बता देंगे यहाँ से। तो ये इसके दो मिक्सर लगे हुए हैं, ये रेस वाला है, ये पेट्रोल वाला है। पेट्रोल की सेटिंग यहाँ से भी होती है, अंदर से भी हो जाती है। तो जी उस्ताद जी, तो यहाँ से एयर जाती है। अच्छा, एयर फिल्टर इसके पीछे लगा हुआ होता है। ठीक ठीक, तो यहाँ से पेट्रोल जाता है। अच्छा, जब सिलाई ऊपर होती है तो एयर और पेट्रोल मिक्स होकर यहाँ से गैस निकलती है, जिसकी वजह से आगे ब्लास्ट होता है। अच्छा, चलो जी। जी उस्ताद जी, तो ये इसका सिलाई है, ये इसकी सिलाई है, इसमें रेस कंट्रोल होती है। अच्छा, तो यहाँ से पेट्रोल की सेटिंग हो जाती है, स्प्रिंग होता है उसके बाद। अच्छा, तो ये एक्सेलेरेटर सिलाई के अंदर ये चीज़ें होती हैं तीन? तो पेट्रोल की सेटिंग अंदर से यहाँ से होती है। तो अच्छा, यहाँ से दबा के ये लाग बार निकालना है आपने, लाग बार निकाल के सिलाई बार भी निकालनी है ये। तो अभी इसका पेट्रोल फुल ज़्यादा हुआ है, वो ऐसे आप। अच्छा, तो उस्ताद जी ये इसके थ्रू हम पेट्रोल को कम ज़्यादा कर सकते हैं? जी, ये लाग लगा हुआ है। जी जी, तो ये लाग आप निकाल के जब दरमियान में रखेंगे तो जेन्युइन सेटिंग हो जाएगी। अच्छा, तो ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर करेंगे पेट्रोल कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जब आप इसे सबसे ऊपर रखेंगे तो बाइक मिसिंग करेगा, इसलिए इसे दरमियान में रखना है। जेन्युइन सेटिंग होती है, भागता भी ठीक है, मिसिंग भी नहीं करता, पेट्रोल भी कम खाता है। अच्छा, तो अभी सबसे नीचे इसका मतलब इसका पेट्रोल ज़्यादा है? इसका पेट्रोल ज़्यादा पेट्रोल खाएगा, बहुत ज़्यादा खाएगा। तो अच्छा, तो उस्ताद जी फिर इसके बाद इसको वापस फिट करना है, जहाँ पे आप पेट्रोल काम करना चाहे ज़्यादा करना चाहे वो आपको मैंने बता दिया है। तो आप लाग बिठाएंगे आराम से, कोई मसला नहीं है लाग को बिठाने का। तो ये हमारा जो लाग है वो बैठ चुका है अभी, ये आप देख सकते हैं ठीक हो गया। फिट करने का तरीका है ना, तो किस तरह फिट करेंगे उस्ताद जी? ये अप मॉडल की ये जो कट वाली साइड होती है ना जी जी, ये चौक के मुखालफ आती है। अच्छा, तो डाउन मॉडल की चौक की तरफ आती है। तो इस तरह आप लोडियत, तो इस तरह फिर इसको वापस हम बंद कर रहे हैं। इसमें हमने आपको बताया कि पेट्रोल की सेटिंग आप किस तरह कर सकते हैं, पेट्रोल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद उस्ताद जी यहाँ बाहर से भी पेट्रोल की सेटिंग हो जाती है। अच्छा, ये रेस वाला मिक्सर है और ये पेट्रोल वाला है। इसे अगर आप जेन्युइन जगह पर रखना चाहते हैं तो फुल टाइट करके इसको, तो तीन चूड़ियाँ इसके वापस खोलनी है।
ठीक हो। अगर पेट्रोल ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो 5 चूड़ियाँ खोल दे, इससे ज़्यादा नहीं, 5 चूड़ियाँ। अच्छा उस्ताद जी, ये आपने जो बोला है कि इसको मसलन के फुल टाइट करके आपने और 3 चूड़ियाँ जब लूज करना है तो ये जैनवन जगह पे आ जाएगा जी। तो उसके बाद पेट्रोल अगर कम करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर पेट्रोल कम करना है ना तो यहाँ पे आप पिचकस लेंगे ना जी, इसे 1, 2 या 3 कर दे बस जी। तो जानवन है उससे हमने 3 करनी है। फिर यहाँ से आप लूज करनी है जी। उसके बाद यहाँ से आपने पेट्रोल को रेस को बराबर करना है सही। जितने यहाँ पे सेटिंग पकड़े, तेज हुआ हुआ है तो काम कर दे, कम हुआ हुआ तो तेज कर दे। तो बस ये कोई खास इतना मुश्किल काम नहीं है। पेट्रोल कम करना, ज्यादा करना तो हर आदमी कर सकता। अच्छा पेट्रोल कम तो क्या हमने ज्यादा करना है तो फिर उसको जो जैनवन जगह उससे आगे टाइट करना है, उससे आगे 1 चूड़ी टाइट कर दे बस, फिर वो पेट्रोल ज्यादा हो जाएगा, पेट्रोल ज्यादा हो जाएगा, उससे बाइक दौड़ेगा भी बहुत ज्यादा। तो अच्छा, तो कार्बोरेटर को हम आपको खोल के बताते हैं इसके अंदर जो जो चीजें होती हैं और ये पेट्रोल की सेटिंग किस तरह होती है, मसलन के वो किस तरह कंट्रोल करता है पेट्रोल को, फ्लोट क्या होते हैं, जेट क्या होता है, ये चीज़ें हम आपको दिखाते हैं अभी। तो इसके 2 स्क्रू लगे हुए हैं, स्टार वाले स्क्रू हैं, ये अपने स्टार स्क्रू ड्राइवर के साथ खोलने हैं इसको। तो नीचे आपको इसका फ्लोट अंदर से नज़र आएंगे, ये आपने देखे हैं न्यू मॉडल, ये न्यू मॉडल के गोल वाले होते हैं और अप मॉडल डाउन मॉडल जो होते हैं वो थोड़ा इससे डिफरेंट होते हैं, वो आपको 2 अलग अलग नज़र आएंगे। अच्छा तो ये हमारे पास जो आपको 2 स्क्रू नज़र आ रहे हैं ब्रास में, ये इसमें से जो बड़ा है और जो छोटा है ये दोनों हम आपको समझाते हैं किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो बड़ा जेट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये काम इस तरह करता है कि जब हमारा बाइक रेस में होगा तो उस टाइम पे जो पेट्रोल जाएगा वो इस बड़े जेट या स्क्रू से जाएगा। अच्छा तो उसके बाद जब बाइक मसलन स्लो पे होता है या बाइक स्टैंड बाय पे होता है और स्टार्ट होता है, उस हालत में ये जो छोटे वाला स्क्रू है या जेट है इसमें से आपका पेट्रोल जाएगा इसमें। बोलो, ये फ्लोट स्टार्ट जी किसके लिए होते हैं? ये फ्लोट होते हैं जब जो बाइक पेट्रोल ओवर करता है ना, जो बाहर डोलता है ज्यादा हो जाए। अच्छा, तो उसकी सेटिंग यहाँ से होती है ओवर फ्लो की। तो ये फ्लोट की यहाँ से सेटिंग होती है, इसके अंदर न्यूट्रल वाल लगा होता है। अच्छा, वाल खत्म हो जाए तब भी ओवर करता है, सेटिंग आउट हो जाए तब भी ओवर करता है। सही सही, तो बस यही। अच्छा तो ये किस तरह पेट्रोल नीचे आता है तो ये फ्लोट किस तरह ऊपर जाता है, ये कुछ समझाएंगे आप? ये जब पेट्रोल जो होता है ना अंदर आता है, इसमें ये भरी जाती है। सही सही, ये भरी जाती है तो ये ऊपर पेट्रोल के ऊपर 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 जाते हैं। तो अच्छा, पेट्रोल को ये ऊपर मसलन जो फ्लोट है पेट्रोल इसको ऊपर उठाता है। सही, इसको ऊपर उठाता है तो बंद हो जाता है यहाँ से बस। सही सही, तो फिर पेट्रोल इसके अलावा जो उसके बाद पेट्रोल नहीं आएगा नीचे, उसके बाद नहीं आएगा। सही सही, तो इसके अंदर आप बोल रहे हैं कोई जेट भी होता है इसके अंदर? वहाँ जी वो इसके अंदर लगा हुआ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलें ठीक है, इसी के साथ ही हम इसको वापस जोड़ रहे हैं। तो ये हमने आपको कार्बोरेटर की सेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है कि पेट्रोल किस तरह आप इसका माइलेज कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद इंशाल्लाह जो सेटिंग कार्बोरेटर की होगी या कार्बोरेटर काम किस तरह करता है, इसमें फ्यूल और एयर की मिक्सिंग किस तरह होती है, और जो भी आपको अगर कोई सवाल होगा आपका तो उसके बारे में या जनरल इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देंगे अन करीब। तो इधर ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, इधर आने का मकसद हमने घूमने के लिए था, मगर हमने कहा है चलो यार हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बड़े दूर दूर इलाकों के हैं तो उनको अपना ये नज़ारा दिखाना चाहिए, खूबसूरत इलाका है, अच्छे लोग हैं और अच्छे अच्छे चैनल हैं इन लोगों के। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है हमने, इसके बाद भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। और आपने जो काम करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है कि यार इधर से आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी बाइक्स के बारे में, आप ख़ुद मैकेनिक्स बन सकते हैं इधर। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, निकलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।